गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों ज़रा सोचिए, हम धोखे में थे कि हम अर्थ को बचा सकते हैं, हम पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, लेकिन आज हमें पता चला कि अगर इंसान अपनी टांग ना अड़ाए ना, तो पृथ्वी बहुत तेज़ी से अपने आप को हील कर सकती है। हम धोखे में थे कि अगर हम जंक फूड नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। जंक फूड रेस्टोरेंट बंद थे, फिर भी दुनिया चल रही थी। हम धोखे में थे कि हम घर से काम नहीं कर सकते। हम धोखे में थे कि हमारी मीडिया बहुत समझदार है। हम धोखे में थे कि हमारे क्रिकेट स्टार्स, हमारे फिल्म स्टार्स ही असली हीरो हैं। नहीं, मगर आज पता चला कि वो सिर्फ हमारे एंटरटेनर्स हैं। हम धोखे में थे कि यूरोप के लोग बहुत समझदार और एजुकेटेड होते हैं। हम धोखे में थे कि कोई ज्योतिष, कोई मौलवी, कोई पंडित या कोई पादरी हमें बीमार होने से बचा सकता है, हमें मरने से बचा सकता है। हम धोखे में थे कि तेल बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो तेल की क्या कीमत रहेगी। हम चिड़ियाघर पर जानवरों को देखकर बहुत खुश होते थे। जब हम आज पिंजरे में बंद हुए, तब हमें पता लगा कि उन जानवरों को कैसा महसूस होता होगा। हम धोखे में थे कि शॉपिंग मॉल बंद हो गए तो जीवन रुक जाएगा। शॉपिंग मॉल बंद थे, तब भी दुनिया चल रही थी। ब्रांड्स नहीं थे, तब भी दुनिया चल रही थी। हम छुट्टियां मनाने बाहर नहीं जा रहे थे, तब भी दुनिया चल रही थी। हम देर रात तक चाय के होटल में बैठकर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे, दुनिया तब भी चल रही थी। दोस्तों जो फ़र्क पड़ा है वो हमारी नकली ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ा है, हमारी असली ज़िंदगी पर नहीं। फिजूल खर्ची बंद हो गई है, आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, फूल अब भी खिल रहे हैं, नदियाँ अब भी बह रही हैं, बल्कि अब तो और ज़्यादा साफ होकर बह रही हैं। गाय अब भी दूध दे रही है, मुर्गियाँ अब भी अंडे दे रही हैं, खेतों में सब्जियाँ अब भी उग रही हैं और हमारे और आपके घरों तक किसी न किसी तरह पहुँच रही है। हमें पता चल गया है दोस्तों, आपको और मुझे पता चल चुका है दोस्तों कि हम कितने बड़े धोखे में थे। जी हाँ दोस्तों, हम एक साधारण जीवन जीना भूल गए थे। कोरोना वायरस से बड़ा वायरस तो इंसान है, जो गलतियों पे गलतियाँ करता रहता है, लेकिन मानता नहीं कि मैं गलत हूँ। ये लॉकडाउन जो हुआ है ना दोस्तों, वो कोरोना वायरस से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर से घमंड, अहम, दूसरों की निंदा, अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना जैसी गलतियों को सुधारने के लिए हुआ है। तो आइए हम सब मिलकर एक दूसरे को मन से पॉजिटिविटी दें, मन से ब्लेसिंग्स दें, ताकि सब अपने घर में सुरक्षित रह सकें, स्वस्थ रह सकें और खुश रह सकें। आइए दोस्तों आज के उत्तम से उत्तम 10 विचार सुनते हैं। रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होता दोस्तों। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सहानुभूति और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देते हैं। सरल रहिए ताकि सब आपसे हिल मिल सकें, तरल रहिए ताकि आप सब में घुल मिल सकें। आप जिंदगी को जिए, उसे समझने की कोशिश ना करें। चलते वक्त के साथ आप भी चलिए,
वक्त को बदलने की कोशिश ना कीजिए। दिल खोल कर सांस लीजिए, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कीजिए। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दीजिए, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना कीजिए। परमात्मा की कृपा का मतलब ये नहीं है कि दुखी ना आए, लेकिन दुख में भी आप दुखी ना हो। और वह समय कब बीत जाए कि आपको पता ही ना चले, यह है परमात्मा की कृपा। जिस तरह संतरे के चित्र से संतरा नहीं निकल सकता, उसी तरह भगवान के चित्र से भगवान नहीं मिल सकते। दोस्तों, भगवान मिलते हैं केवल आत्मज्ञान से। जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो गया, उस दिन भगवान की प्राप्ति आपको खुद ही हो जाएगी। फिर ना तो आपको चित्र की ज़रूरत है और होगी ना मूर्ति की। ज़रूरत होगी तो सिर्फ और सिर्फ आत्मानुभूति की, कि आपके पास भगवान है, आप भगवान से मिल लिए। दोस्तों, एक दिन हम सब ने ऐसे सफ़र पे जाना है जिसमें कोई खर्चा नहीं है, जिसमें सीट बीमारी कन्फर्म्ड है और फ्लाइट भी ऑन टाइम है। हमारे सभी अच्छे कर्म हमारा सामान होंगे, हमारी इंसानियत हमारा पासपोर्ट होगी और प्यार हमारा वीजा। इसलिए स्वर्ग तक की इस उड़ान में बिजनेस क्लास में बैठने के लिए ज़िंदगी में जितना हो सके अच्छे बनिए, अच्छे कर्म कीजिए। दोस्तों, कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, ना कि नल को देखकर कीचड़ में जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार ज़िंदगी में बुरा समय आ जाए तो पैसों का उपयोग करना चाहिए, ये नहीं कि पैसों को देखकर बुरे रास्ते पर जाना चाहिए। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही सुंदर तरीके से करता है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही सुंदर तरीके से करता है। जैसे बादल के टूटने पर पानी की फुहार देता है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप बना देता है और बीज टूटने पर एक नए पौधों की संरचना कर देता है। इसलिए जब भी कभी आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लेना ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। आप जानते हो दोस्तों, आजकल हम सब रामायण देख रहे हैं। रामायण की शायद ये बात किसी को पता हो या ना पता हो, हाँ जो हमारे बड़े हैं शायद उनको पता होगा, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं या हम लोग भी हैं, इनमें भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि रामायण सीरियल में लिखे गीत तो जो सीधा हमारे दिल में उतरते हैं, उनके बोल और आवाज़ श्री रविंद्र जैन जी ने दी है, जो कि बचपन से ही अंधे थे। इन्होंने कभी सीता जी को नहीं देखा, ना ही इन्होंने कभी श्री राम जी को देखा, फिर भी इन्होंने अपने मन की आँखों से सभी किरदारों को रखकर पूरे रामायण का संगीत दिया और साबित कर दिया कि यदि आप में कुछ करने की का जुनून है तो बिना आँखों के भी आप महान काम कर सकते हैं। तो इनसे हमें यही सीख मिलती है दोस्तों, कि हम अपने जीवन की खराब से खराब परिस्थितियों में भी रहकर महान काम कर सकते हैं यदि हमारे अंदर हिम्मत और जुनून है। तो हिम्मत रखिए, ये बुरा वक्त भी चला जाएगा और फिर से आप एक्टिव हो जाओगे। दोस्तों, जीवन में परेशानियाँ चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं, खामोश होने से काफ़ी कम हो जाती हैं और सब्र रखने से खत्म हो जाती है। और परमात्मा का
शुक्रिया करने से खुशी में बदल जाती हैं। इसीलिए हर पल परमात्मा का शुक्रिया करते रहे कि प्रभु आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आगे की ज़िंदगी फिर से जी सकूं, अगले दिन का सूरज देख सकूं। आखिरी विचार कोरोना वायरस के लिए, जो जलता है बुझता ज़रूर है, जो चलता है रुकता ज़रूर है, जो बहता है वो थमता ज़रूर है। संयम रखें, ये एक वायरस ही तो है, एक दिन रुकेगा बुझेगा और थमेगा ज़रूर, लेकिन मन में सकारात्मकता रखते हुए, हिम्मत रखते हुए। अगर आप निराश हो जाओगे, नकारात्मक हो जाओगे, तो ये वायरस रूपी दुश्मन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। ओम शांति।